मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज अल्लाह नकल कुफर ग्रामर की गलतियां हैं। जो मेरी बात है वो ये थी कि आप मेरा क्लिप सुन सकते हैं कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है। ग्रामर की एक मिस्टेक अगर जाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, ग्रामर की एक मिस्टेक अगर जाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसी की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो है जैसे लिखा गया एज इट इज चला रहा है, बड़े बड़े अभी ग्रामर के वाले आए, उन्होंने बताया सेंटेंस से तरमीम नहीं आती, दो जबर दो से दो पेश नहीं आते, आप नहीं आते, यहां आए हुए हैं पता नहीं क्यों आए हैं, भाई उसको लिखा ही ऐसे था। जिस किताब की मेरे भाई ऐसे हिफाजत हुई हो कि उसकी ग्रामर की एक मिस्टेक अगर जाहिर लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ हुई है, उसको ठीक करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, तो जो ठीक आए थे उनको कौन चेंज कर सकता है। कुरान मजीद में लनसफाम बिन नासिया ये लफ्ज आम कायदों से हटकर है। आम कायदों में ये होता है कि जब आप फेल को लिखते हैं तो ऐन नून जबर अन के साथ लिखते हैं, अलिफ नहीं लिखते, आम कायदा। तो सहाबी रसूल ने इसको आम कायदे के खिलाफ लिखा है, तो इस आम कायदे के खिलाफ को मैंने यूं कहा जाहिरी लिहाज से ग्रामर की गलती है। जाहिरी लिहाज से, जाहिर का लफ्ज बता रहे कि हकीकत में नहीं है,